माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अघोर तंत्र रहस्य पर आप लोगों ने महादेव का कई मंत्र सुना, पढ़ा और उसका अनुसरण किया। तो कई जानकारों का ये सवाल था, कई जिज्ञासुओं का ये सवाल था, कई साधकों का ये सवाल था कि बचपन से हम महादेव का एक ही मंत्र सुनते आ रहे हैं, वो है ओम नमः शिवाय। ठीक, और आपका कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, हौंग नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए ह्रिंग हौंग नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और ओम का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। तो क्या जो बचपन से सुनते आए हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र है वो मिथ्या है? आज इसी विषय पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ने से मना किया। आप सभी को ये ज्ञात है कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसको पंचाक्षरी बोल करके सभी लोग जपते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये आप लोगों को जानना चाहिए। हम में से जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि भैरव महाराज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कालराज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन श्रेष्ठ है इस विषय को लेकर के युद्ध हो गया था। पहले दोनों में वाद विवाद हुआ, उसके बाद विष्णु जी को ब्रह्मा जी ने पुत्र कह के संबोधित कर दिया। इस पर विष्णु जी उत्तेजित हो गए और एक तरफ से महेशास्त्र और एक तरफ से पशुपा शास्त्र का प्रयोग होने वाला था। उसी समय उस युद्ध को रोकने के लिए देवों के आग्रह पर महादेव वहां पहुंचे। महादेव को देखकर ब्रह्मा जी ने फिर उनको पुत्र कह के संबोधित कर दिया। इससे महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने अंदर से भैरव जी को प्रकट किया, जिनको उन्होंने कालराज का भी नाम दिया। और भैरव इसलिए क्योंकि वो हर काले में भरण पोषण करते हैं। ठीक है, और भैरव जी जब उत्पन्न हुए बटुक भैरव के रूप में तो अति क्रोधित थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का जो मुख था, जो महादेव के सामने भी मिथ्या बात बोल रहा था, उसको काट दिया। और उसके बाद भी महादेव शांत नहीं हो रहे थे। ठीक है, तब विष्णु जी आकर के शरणागत हुए महादेव के और महादेव को बोला कि हे महादेव, अब आप जो है अपने क्रोध को शांत करें और ब्रह्मा को माफ कर दें, माफी दे दें। इसके बाद जो पुराण है उसके हिसाब से महादेव की स्तुति हुई, महादेव शांत हुए, तब ब्रह्मा जी उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप जो है हमें अपना जो आराधना विधान है वो सिखाएं। तब उन्होंने बताया कि मैं लिंग रूप में इस स्थान पर अरुणाचल लिंगम के रूप में प्रतिष्ठित हो जा रहा हूँ और अब लिंग का जो पूजा विधान है, शिवलिंग के पूजा का विधान आप लोग सुनो। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। जब महादेव प्रकट हुए थे तो उनका ओर छोर नहीं था, कहा जाता है कि एलिप्टिकल वो एक तेज पुंज थे जिसका कोई ओर छोर नहीं था। तो उसी रूप में भगवती के साथ सांब सदाशिव, ठीक है, वो वहाँ पर विराज गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि अमुक मंत्र से मेरी पूजा होगी और भी पूजा विधान बताया। जब उन्होंने मंत्र बताया तो बोला कि जो पहला पंचाक्षरी मंत्र है वो ओम है। सुनिए बात को, हम जानते थे आज तक कि ओम नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन महादेव ने जो बताया ब्रह्मा जी को वो ये बताया कि पहला पंचाक्षरी मंत्र जो है वो ओम है। और ओम जो चार मुख है उसे ओ आ मा, ठीक है, और बिंदु, और जो नाद है वो सबसे ऊपर वाले पांचवें मुख से निकला, तो पांचों मुखों का जो शब्द है उसको मिला करके ओम हुआ। तो
तो इस पंचाक्षरी मंत्र के मंत्र से, मतलब ओम, जिसमें कि नाद बिंदु दोनों आता है। नाद बिंदु का मतलब क्या होता है? नाद और बिंदु का मतलब होता है महादेव और भगवती। तो शिवलिंग की पूजा ओम शब्द वाले पंचाक्षरी मंत्र से करना चाहिए। ओम खुद में पांच अक्षरों का मिलाप है, ओम इकलौता शब्द नहीं है जो हम लोग जोड़ लेते हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी नहीं। तो सबसे पहला तो ये हो गया जो उन्होंने बताया कि ओम मंत्र से जाप करना चाहिए। जो गायत्री का जाप करते हैं वो ओम मंत्र का 1,000 जाप करते हैं, उसके बाद गायत्री का जाप शुरू करते हैं, वो भी शिवलिंग के सामने। ओम नमः शिवाय मंत्र की पूजा जो होती है वो शिवलिंग के सामने होती है, उस पर मैं आ रहा हूँ। अभी क्या है कि ओम हो गया, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिन्होंने शिवलिंग में कभी प्राण दिया हो तो उनको पता है कि शिवलिंग को जब प्राण देते हैं तो 15 बार ओम मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि वो उसका पंचाक्षरी मंत्र है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ओम का जाप नहीं कर सकते हैं वो नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, नमः शिवाय दूसरा पंचाक्षरी मंत्र है। आप जब पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी का पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय से शुरू है, ओम से शुरू नहीं है, क्योंकि नमः शिवाय जो है वो दूसरा पंचाक्षरी मंत्र है। अब सुनिए, जो गुरुमुख हो, जिसको ये मंत्र गुरु से मिला हो, कौन सा दक्षा 10 अक्षरों का मंत्र ओम नमः शिवाय, वो इस मंत्र से शिवलिंग की पूजा कर सकता है। समझिए बात को। इस मंत्र को लेकर के आप कहीं पे अपने पूजा स्थान पर जहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं है या बानलिंग स्थापित नहीं है, या कहीं चलते फिरते आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते, कहीं आसन लगा के आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते हैं, श्मशान में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्वयंभू महादेव हैं। ठीक है, तो जहाँ भी शिवलिंग हो वहाँ जो गुरु मुख से जिसने लिया है, ये बिल्कुल ही मेंशन किया हुआ है शिव महापुराण में कि जिसने गुरु मुख से ओम नमः शिवाय लिया है वही ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए गुरु मुख होना अनिवार्य है। ठीक है, और ये मंत्र लेना चाहिए ओम नमः शिवाय, या फिर महादेव का कोई मंत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें भी वर्ण भेद है। जो ब्राह्मण है, जो महादेव की सेवा करता है, जो वेदों को जानता है वो ब्राह्मण नहीं, जो वेद को नहीं जानता सिर्फ पैदा हो गए ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, ऐसे जन्म से जाति भेद होता है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। बाकी जो भी वर्ण है, क्षत्रिय हैं, जो बिजनेस क्लास है, और ये हैं जो मैनेजिंग क्लास है, मैनेजिंग कम्युनिटी है, ये सारे लोग हैं जो कृषक हैं। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ चार जातियों को, जो आर्य समाज ने हिंदू को बदनाम किया उसमें सिर्फ चार जाति जानते हैं कि क्या कहते हैं, हमारा जो धर्म है उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में और भी जातियाँ थी। कौन कौन सी जातियाँ थी? एक दो जाति मैं बता देता हूँ। जो कृषक है, जो खेती करता है, वो अलग जाति है, और जो सर्विस प्रोवाइडर थे बाकी जातियों के, सिर्फ उनको ही शूद्र कहा जाता था, बाकी को शूद्रों का सहायक माना जाता था। ठीक है, शूद्र वो होते जो जो सीधे जाकर के इन जातियों के घर पे काम करने के लिए अधिकृत थे, जो मंदिर बना सकते थे, जो सेवा दे सकते थे, जो घर बना सकते थे, जो हर तरह का काम करते थे। ठीक है, जो राज करता था उसकी कोई जाति नहीं होती थी, उसको राजा कहा जाता था। सैनिकों की जाति जो होती थी वो क्षत्रिय होती थी। तो बहुत सारा विडंबना है जो हम लोग नहीं समझते। हाँ, तो जो ब्राह्मण है, जो सेवा करता है, वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। बाकी सारे लोग ओम नमः शिवाय कहने से, वो ब्राह्मण जो वेद नहीं जानता है, वो ब्राह्मण जो गायत्री नहीं जपता है, ऐसे सारे लोग जो हैं वो ओम नमः शिवाय कहने के लिए अधिकृत नहीं है। वो जो मंत्र लेंगे वो मंत्र भी ओम शिवाय नमः होगा। ठीक है, अब क्या है, जनरल चीजों, अब बहुत लोग बोलेंगे कि महादेव के पूजा का कोई विधान नहीं होता है, महादेव तो बम बोले हैं जैसे भी आप पूजा कर लो। नहीं नहीं आप सतयुगी नहीं हैं, आपका जो मन है वो छल प्रपंच से भरा है, वो माया से भरा हुआ है। आप अगर शास्त्र सम्मत पूजा नहीं कर सकते हैं, आपको अगर मन से पूजा करना है तो आप मंत्रों से दूर रहें, आप तंत्र से दूर रहें, आप विधान से दूर रहें। आप मंत्र तंत्र विधान अपने मन से नहीं कर सकते। आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सच्चा उपाय है कि नाम जाप करें, बैठ करके शिव 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 नाम जाप करें, ये उतना ही फलदायक है, और साथ में ये जो है ये दोष मुक्त है। ठीक, अब देखिए, जब शिवलिंग के पास नहीं है तो हमने आपको उपाय बताया, शिव 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 नाम का जाप कीजिए,
होंग नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है, या श्री शिवाय नमः का जाप कीजिए। एक और मंत्र है रिंग होंग नमः शिवाय, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को अनंत ज्ञान दें, आध्यात्मिक उन्नति दें और मायावी दुनिया में भी आपके पास धन दौलत हो, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश, आदेश।